हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू वायरल बंदा। तो गाइस, काफ़ी वक्त बाद मैं लेकर आ रहा हूँ यहाँ पर जी कैम के लिए एक वीडियो। तो मेरे हाथ लगा था गाइस एक बहुत ही शानदार सा जी कैम, जिसको मैं काफ़ी कस्टम रोड पर इसको ट्राई कर चुका। इसके जो आउटपुट है गाइस वो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया, और इस वीडियो को बनाने के लिए खास तौर से मैंने यहाँ पर रात का वक्त चूज़ किया है गाइस, क्योंकि रात में ये जी कैम बेस्ट काम करता है। तो मैं आपको बताने वाला हूँ कि ये कौन सा जी कैम है और इसमें आपको क्या देखने के लिए मिल जाता है फीचर्स, और इसकी क्वालिटी कैसी है। तो चलो गाइस, यहाँ पर हम चलते हैं डायरेक्टली अब हमारे दूसरे फ़ोन की तरफ। तो यहाँ पर मैं वीडियो के लिए यूज़ कर रहा हूँ, जो करंट वीडियो आप देख रहे हो गाइस ये है Asus Zenfone Max Pro M1 की, और मैं फ्रंट कैमरा से वीडियो बना रहा हूं। तो चलो यार, हम चलते हैं Realme 3 Pro की। तो गाइस, यहाँ पर आप देख सकते हैं करंट जो है सीनरी है रात के वक्त की। यहाँ पर जो है रात के 10 बज रहे होंगे, और यहाँ पर गाइस आप देख सकते हो ये है Realme 3 Pro। इस पर मैंने इंस्टॉल कर लिया गाइस हमारा MGC 8.0.1 इसका ये वर्जन है। और यहाँ पर गाइस आप देख सकते हैं करंट मतलब जो एक्चुअल सीनरी है और जो कैमरे के अंदर दिख रही है गाइस। और यहाँ पर सबसे पहले गाइस आपको बता दूँ कि ये वाला जो कैमरा है ये सपोर्ट करता है एस्ट्रोफोटोग्राफी। तो गाइस आपको सिंपली कुछ नहीं करना है, यहाँ पर आपको जाना है गाइस नाइट साइड पर, और यहाँ पर आपको एक ऑप्शन देखने के लिए मिल जाता है गाइस। यहाँ पर जो हमारा मेन्यू होता है इसको आप ड्रॉप डाउन करोगे, और यहाँ पर आप देख सकते हैं ऑलरेडी इंडिकेशन आ रहा है एस्ट्रोफोटोग्राफी ऑन। तो यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिल जाता है गाइस, यहाँ पर जो है एस्ट्रोफोटोग्राफी का एक बटन दे रखा है। इसको अगर आपको बंद करना है तो आप सिंपली सिंगल टैप करके इसे बंद कर पाओगे, और अगर ऑन करना है तो गाइस सिंपली यहाँ पर क्लिक करके ऑन हो जाता है। और आपको गूगल के AWB यानी कि ऑटो वाइट बैलेंस का ऑप्शन इसमें देखने के लिए मिल जाता है गाइस। तो चलो हम यहाँ पर सबसे पहले एक नॉर्मल से शॉट लेते हैं गाइस, ठीक है। तो ये हमारा नॉर्मल कैमरा है गाइस, और इस पर मैंने कुछ भी सेटिंग नहीं कर रखी। आपको सिंपली इस कैमरे को इंस्टॉल कर लेना है, और सेटिंग में कुछ भी नहीं करना है, डायरेक्टली आपको बेस्ट सेटअप देखने के लिए मिल जाएगा। यहाँ पर हमारा फ्लैश बंद है, AWB ऑन है, और जो रेशियो है गाइस हम वाइड वाला रेशियो यूज़ कर रहे हैं यहाँ पर, और HDR वगैरह भी इनेबल्ड नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर एक काम करते हैं, सबसे पहले तो हम चलते हैं सेटिंग में, और HDR शायद अगर आपको बंद होगा तो आप मैनुअली इनेबल कर सकते हो। तो उसको इनेबल करने के लिए आपको जाना होगा गाइस एडवांस्ड के अंदर, और यहाँ पर HDR प्लस कंट्रोल आप ऑन कर सकते हो। रॉ JPEG कंट्रोल भी आपको देखने के लिए मिल जाता है, पर सिंपली HDR आपको ऑन कर लेना है। और गाइस यहाँ पर आपको दो लेंस ऑप्शन देखने के लिए मिल जाते हैं, राइट साइड का ये मुझे सजेशन दे रहा है, पर फिलहाल यहाँ पर हम नॉर्मल कैमरे से फोटो खींच रहे हैं, और HDR प्लस अभी जो है इनेबल्ड है, ठीक है। तो यहाँ पर हम फोटो क्लिक करते हैं, यहाँ पर हमने फोटो क्लिक कर लिए गाइस, और अब आपकी जो फोटो है वो प्रोसेस होगी। तो यहाँ पर गाइस करंट फोटो हमारी आ चुकी है, और आप स्क्रीन पर देख सकते हो यहाँ पर मेरे जो कैमरा है इसके लेंस पे थोड़ी सी डस्ट है, इसलिए आपको थोड़ा सा धुंधला नज़र आ रहा होगा। इस नॉर्मल कैमरे से कुछ इस तरीके की फोटो यहाँ पर आ रही है निकल के, और अगर हम इसको जूम करते हैं गाइस तो आप देख सकते हैं कि जूम करने पर भी इसकी जो क्वालिटी है ना वो काफ़ी बेहतरीन नज़र आ रही है गाइस। यहाँ पर बकेट वगैरह आप देख पा रहे हो, यहाँ नॉर्मल मतलब कुछ इस तरीके की नज़र आती है, और कैमरा मतलब आपकी जो फोटो क्वालिटी है उसमें कुछ इस तरीके की नज़र आती है। मैं फोकस करके दिखाता हूँ, थोड़ा सा धुंधला यार उसके लिए सॉरी, पर आप स्क्रीन पर देख सकते हो, स्क्रीनशॉट में अप्लाई कर दूँगा। और गाइस यहाँ पर अब मैं इनेबल कर देता हूँ हमारे जो HDR प्लस है इसको, हमने इनेबल कर दिया है। अब यहाँ पर हम फोटो क्लिक करते हैं, तो HDR प्लस वाली फोटो भी क्लिक हो गई है गाइस, यहाँ पर फोटो क्लिक हो गई थी। अब गाइस आप देख सकते हैं कि HDR प्लस में कुछ इस तरीके की फ़ोटो नज़र आती है, और गाइस क्वालिटी यार मतलब एक नंबर की लाजवाब। यहाँ पर जूम करने के बाद भी यहाँ पर पिक्सल वगैरह नहीं फिट रहे हैं। तो ठीक है, ये तो हो गया गाइस हमारी नॉर्मल वाले फोटोज़, ठीक है। अब हम क्या करते हैं कि हम यहाँ पर अब क्लिक करेंगे नाइट साइड वाले फोटोज़। यहाँ पर मैंने नाइट साइड ओपन कर लिया गाइस, और एस्ट्रो फोटोग्राफी ऑन है। एस्ट्रो फोटोग्राफी में गाइस हम क्या करते हैं कि हम चलते हैं थोड़ा सा करीब, और यहाँ पर हमारे पास है कुछ देख सकते हैं आप मतलब प्लांट्स वगैरह हैं। तो यहाँ पर हम फोटो क्लिक करेंगे गाइस एस्ट्रो फोटोग्राफी के साथ। तो यहाँ पर मैं थोड़ा सा फोकस करता हूँ, और अब यहाँ पर हम क्लिक करते हैं फ़ोटो को। तो गाइस एस्ट्रो फोटोग्राफी में ना आपका थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लगने वाला है फ़ोटो क्लिक होने में, तो यहाँ पर हम वेट करते हैं जब तक फ़ोटो क्लिक नहीं हो जाता। ठीक है, क्लिक हो गया है गाइस, ठीक है। अब हम फोटो ओपन करते हैं, और गाइस यहाँ पर आप देख सकते हो यार क्वालिटी, आप स्क्रीन के ऊपर भी मैंने स्क्रीनशॉट जो दिया हुआ है उस पर क्वालिटी देखो फ़ोटो की, बहुत मज़ेदार फोटो आने वाले गाइस निकल गए। इस चाहे कोई भी डिवाइस हो, मैं तो Realme 3 Pro यूज़ कर रहा हूँ, पर आप कोई भी डिवाइस यूज़ करोगे ना उसमें आपको ढंग की क्वालिटी बेहतर क्वालिटी ही मिलेगी। अब चलते हैं बैक गाइस, और एक काम करते हैं हम एस्ट्रो फोटोग्राफी का यहाँ पर ढंग से यूज़ कर लेते हैं, यानी कि आसमान की तरफ हम डायरेक्शन लेते हैं और वहाँ पर एक फ़ोटो क्लिक करते हैं। इस दिक्कत की बात यह है कि यहाँ पर जो है आसमान में सितारे ही नहीं है, यहाँ पर तो बारिश का मौसम होने वाला है। तो फिर भी हम ट्राई करते हैं कि आसमान की तरफ अगर हम क्लिक करके फ़ोटो क्लिक करते हैं तो यहाँ पर कैसी क्वालिटी आती है। पहले ये वाला एंगल भी मुझे थोड़ा ठीक लग रहा है, तो मैं एक काम करता हूँ ऐसे में फ़ोटो क्लिक करके देख लेता हूँ। तो यहाँ पर गाइस 21 सेकंड का शटर है, तो 21 सेकंड में गाइस आपकी जो फ़ोटो की क्वालिटी है ना वो और उभर के नज़र आएगी। तो चलो वेट करते हैं, यहाँ पर गाइस दिखा रहे कि कैप्चरिंग मोर लाइट और ऐसा कुछ कुछ दिखाता रहता है स्क्रीन पे। और फाइनली गाइस फ़ोटो क्लिक होने के बाद एक जिंगल की आवाज़ आती है आपको एस्ट्रो फोटोग्राफी में,
तो यहाँ पर हम फोटो क्लिक करते हैं। और गाइस यहाँ पर यार क्वालिटी देखो यार, मज़ा आ जाएगा आपको। मतलब जूम करने पर गाइस थोड़ा भी नहीं फट रहा है यहाँ पर पिक्सल, बहुत ज़्यादा बेहतरीन यहाँ पर क्वालिटी आई है। कलर्स वगैरह सब यहाँ पर आप देख सकते हैं कितने मतलब शानदार नज़र आ रहे हैं। चलो फाइनली यार ऊपर करते हैं कैमरे का एंगल आसमान की तरफ और देखते हैं कि कैसे फ़ोटो निकल कर आएंगे। तो यार यहाँ पर हमने कैमरे का एंगल कर लिया है आसमान की तरफ और यहाँ पर एस्ट्रो फोटोग्राफी गाइस ऑन है, अगर आप देख पा रहे हो तो। थोड़ा सा यहाँ पर फोकस नहीं हो पा रहे, मैं फ़ोटो क्लिक कर लेता हूँ डायरेक्ट, उसके बाद हम आपको क्वालिटी दिखाऊंगा। तो यहाँ पर फोटो मैंने क्लिक लगा दिया गया, तो आप इस बार देख सकते हो क्योंकि हमारा कैमरा का जो डायरेक्शन है वो आसमान की तरफ है, डार्क था, इसलिए यहाँ पर शटर टाइम गाइस 3 मिनट का हो चुका है। तो मुझे 3 मिनट इंतज़ार करना होगा गाइस एस्ट्रो फोटोग्राफी वाला फ़ोटो देखने के लिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कैप्चरिंग मोर लाइट, यार शायद आपको नज़र नहीं आ रहा होगा, तो ऐसा कुछ कुछ स्क्रीन पर आ रहा है। और गाइस यहाँ पर जो है ब्राइटनेस हो चुकी है स्क्रीन पर, आप देख पा रहे हो, अगर यहाँ पर बादल वगैरह बहुत ज़्यादा ढंग के नज़र आने लग गए। 3 मिनट वाला एस्ट्रो फोटोग्राफी क्लिक हो रहा है गाइस। यहाँ पर मैं आपको जो है आसूस ज़ेनफोन मैक्स प्रो की कैमरे की क्वालिटी बता देता हूँ। और यहाँ पर रात का वक्त है, रात के 10 बज रहे हैं। यहाँ पर गाइस आप ये गुलाब देख पा रहे हो, मैं इस पर फोकस करने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। और यार मतलब देखते हैं और कैसी क्वालिटी आएगी, मैं भी नहीं जानता अभी तो, क्योंकि आसूस का जो मेरा कैमरा है उस पर थोड़ी सी धूल लगी हुई है बैकग्राउंड वाले कैमरे पे। यहाँ पर गाइस थोड़ा सा मुझे मज़ा नहीं आ रहा। एक काम करूँगा, मैं रियलमी 3 प्रो के कैमरे से भी आपको रियर कैमरे की वीडियो रिकॉर्ड करके बताऊँगा। टू रियलमी 3 प्रो का फ्रंट कैमरा, और इस पर गाइस आप क्वालिटी देख पा रहे हो फ्रंट कैमरे की। ये मुझे नहीं पता कि ये 30 FPS है 60 FPS, क्योंकि कोई ऑप्शन मुझे नज़र नहीं आ रहा था। तो अभी मैं यहाँ पर रिकॉर्ड कर रहा हूँ, पता नहीं कौन सी क्वालिटी है वीडियो की, पर फिलहाल आप देख सकते हो कि मतलब जो डिफ़ॉल्ट आपको सेट मिलती है ना, तो डिफ़ॉल्ट जो आपको क्वालिटी मिलती है मतलब सेट प्रीसेट, वही क्वालिटी मैं वीडियो रिकॉर्ड कर पा रहा हूँ, मतलब कर रहा हूँ। और यहाँ पर गाइस अगर हम देखते हैं फ्रंट कैमरा से फूल वगैरह नज़र आता है या नहीं आते, तो देख पा रहे हो गाइस रोज़ है हमारे सामने। तो भाई ओके, मतलब मैं इस कैमरे को ना मतलब बस यूज़ करने का मन करता जाता है, एक फ़ोटोग्राफ़र बनने का मन करता है इस कैमरे को यूज़ करके, मतलब अब तक का बेस्ट जी कैम है। तो यार यहाँ पर जो है ना 1 मिनट का वक्त बचा है और मैं स्क्रीन पर ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा ब्राइटनेस देख पा रहा हूँ, और ये धीरे धीरे किस एडजस्ट हो रही है, ब्राइटनेस कम हो रही है, ज़्यादा हो रही है, कैप्चरिंग मोर लाइट ऐसा लिखा हुआ आ रहा है। तो यार मैं फ़ाइनल क्वालिटी देखना चाहता हूँ कि कैसी क्वालिटी आने वाली है। तो गाइस फाइनली 10 सेकंड बचे हैं और आप कैमरे के अंदर देख सकते हो कुछ रियल सीन कुछ इस तरीके का है यहाँ पर, मतलब बहुत ज़्यादा डार्क है। और अगर कैमरे में देखा जाए तो जिंगल बच चुकी है गाइस, फोटो कैप्चर हो चुका है। अब हम फाइनली यहाँ पर क्लिक करते हैं गैलरी पे। पहले मैं कैमरा का एंगल जो है बिल्कुल वापस ठीक कर देता हूँ। तो ठीक है, कैमरे का एंगल हमने ठीक कर दिया है, अब फ़ोटो पर क्लिक करते हैं। तो गाइस फ़ोटो कुछ इस तरीके का नज़र आ रहा है। तो यार यहाँ पर आप देख पा रहे हो कि बादल जो है मतलब जैसे बादल रियल में हो रहे हैं ना, अगर हम थोड़ी लाइट मार के देखते हैं तो कुछ इस तरीके के ही बादल नज़र आते हैं। और यहाँ पर गाइस जो है काफ़ी ज़्यादा ब्राइटनेस आ चुकी है फ़ोटो के अंदर, जो यहाँ पर बिल्कुल डार्क दिख रहा था अब डार्क नहीं दिख रहा है, पर यहाँ पर इस तरीके का फ़ोटो नज़र आ रहा है। तो अभी मैं फ़ोटो यहाँ पर क्लिक करता हूँ गाइस, एस्ट्रो फोटोग्राफी ऑन है, फ़ोटो क्लिक हो रहा है गाइस, 1 मिनट का एक्सपोजर टाइम है, कैप्चरिंग मोर लाइट, वेटिंग लॉन्गर फॉर अ बेटर फोटो। तो यार मैं व्यू फाइंडर पर देख पा रहा हूँ कि टावर जो है ना पहले नज़र नहीं आ रहा था, पर अभी व्यू फाइंडर में टावर नज़र आने लग गया है थोड़ा थोड़ा। अब हम देखते हैं कि बिल्कुल फाइनली जो फ़ोटो में क्वालिटी आएगी और जो टावर वो कितना कैप्चर हो पाता है, तो देखते हैं। 3, 2, 1 फाइन ट्यूनिंग इमेज। और गाइस जिंगल बज गई है, फोटो कैप्चर हो गया है, देखते हैं फाइनल क्वालिटी क्या है। तो भाई यहाँ पर मुझे टावर नज़र आने लग गया, मतलब गाइस जितना मुझे अपनी असली आंखों से नज़र आ रहा है ना, फ़ोटो के अंदर भी मुझे वही टावर नज़र आने लग गया है। यहाँ पर गाइस आप एक ग्रीन लाइट देख सकते हो टावर पे, मैं थोड़ा सा फोकस करने की कोशिश करता हूँ ताकि दिखने लग जाए आपको, तो नहीं मैं नहीं कर पा रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है गाइस। यहाँ पर मैं एक काम करता हूँ, ब्राइटनेस बढ़ा के देखता हूँ शायद तब दिख जाए। ओ भाई यार पहले मैंने ये क्यों नहीं किया, पहले कर लेता यार मैं, तो आप लोगों को भी ढंग से नज़र आता सब कुछ।
तो अब आप फाइनल फोटो क्वालिटी देख पा रहे हो गाइस, यहाँ पर टावर नज़र आने लग गया है यार, मतलब अब तक का बेस्ट जी कैम है। चलो यार वापस चलते हैं रियलमी 3 प्रो के फ्रंट कैमरा पे। तो यार फाइनली मतलब बस मैं यही कहना चाहूँगा कि अब तक का जो बेस्ट जी कैम है, मतलब करंट डेट पे, हो सकता है आगे फ्यूचर में और भी शानदार अपडेट आए, पर फिलहाल गाइस MGC 8.0.1 बेस्ट जी कैम। डाउनलोड लिंक डिस्क्रिप्शन में, जाकर डाउनलोड कर लो। सारे ग्रुप्स का जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, टेलीग्राम के ग्रुप्स और जो चैनल वगैरह है, इंस्टाग्राम का जो ग्रुप है सॉरी पेज है, जाकर फॉलो करो। और गाइस चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलना क्योंकि वो इंपॉर्टेंट है।